बड़े लोग बड़ी बातें। आज हम सुपरस्टार रजनीकांत की 10 बड़ी बातों पर नजर डालेंगे। रजनीकांत का असली नाम शिवाजी राव है। 12 दिसंबर 1950 को जन्मे रजनीकांत को फिल्म जगत में प्यार से थलाइवा कहा जाता है। रजनीकांत मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। रजनीकांत का असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। उनका नाम मराठा साम्राज्य के राजा छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया है। परिवार को चलाने के लिए रजनीकांत ने कूली तक का काम किया है। रजनीकांत के परिवार में 4 भाई बहनों में वे सबसे छोटे हैं। घर की हालत कुछ खासा ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने बस स्टेशन पर कूली का काम करना शुरू कर दिया। रोज सुबह उठकर वो बस स्टैंड पर बस से सामान उतारने का काम किया करते थे। बैंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में रजनीकांत ने बस कंडक्टर का भी काम किया है। रजनीकांत को कूली का काम करते हुए बस के मालिक ने बस कंडक्टर की नौकरी दे दी। उन्होंने बैंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में बस कंडक्टर की नौकरी की है। टिकट देने से लेकर बस में ऐसी स्टाइल मारा करते थे कि लोग देखने के बाद उनके कायल हो जाते थे। रजनीकांत ने पहली बार खलनायक का किरदार किया था। 1975 में अपूर्वा रागंगाल फिल्म में रजनीकांत खलनायक के किरदार में पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आए थे। हालांकि इस फिल्म में उनका छोटा सा ही किरदार था, लेकिन इसे दर्शकों के बीच काफी पसंद किया गया था। रजनीकांत मूल रूप से मराठी हैं। उन्होंने हिंदी, कन्नड़, अंग्रेजी, बंगाली और मलयालम फिल्मों में अभिनय किया है, लेकिन वह कभी किसी मराठी फिल्म में आज तक नजर नहीं आए हैं। एक बार रजनीकांत को भीख में 10 रुपए मिले थे। 2015 में रजनीकांत की फिल्म शिवाजी द बॉस बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी। उन्होंने फिल्म की सफलता के लिए एक मंदिर में माथा टेकने गए थे। दर्शन के बाद कुछ सोच विचार करते हुए मंदिर की सीढ़ी पर ही बैठ गए थे। एक महिला ने उनके कपड़ों की वेशभूषा देखकर उन्हें भिखारी समझा और 10 रुपए भीख में दे दिए। वे अपने कपड़े को देखकर समझ गए और मुस्कुराकर 10 रुपए रख लिया। पिछले कई वर्षों में रजनीकांत को मरते हुए किसी भी फिल्म में नहीं दिखाया गया है। रजनीकांत की फिल्मों को लेकर कहा जाता है कि उन्हें पिछले कई वर्षों में फिल्मों में मरते हुए नहीं दिखाया गया है। इसका कारण है कि निर्देशक को लगता है कि अगर रजनीकांत फिल्म में मर गए तो वह फ्लॉप हो जाएगी, और जिस फिल्म में रजनीकांत मर जाते हैं लोग उस फिल्म को देखना पसंद नहीं करते हैं। दोपहर 12 बजे का शो सुबह 5 बजे शुरू करना पड़ता था। आमतौर पर सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों में फिल्मों के शो 12 बजे शुरू होते हैं। रजनीकांत की कई फिल्मों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। जब दर्शक सुबह 5 बजे ही फिल्म देखने सिनेमाघर के बाहर पहुंच जाते थे तो सिनेमाघर मालिकों को शो तभी शुरू करना पड़ता था। फिल्मों में दर्शक सिक्का उछालकर पर्दा ही फाड़ देते थे। रजनीकांत का सीन पर्दे पर आने पर दर्शक इतना उत्साहित हो जाते थे कि सिक्के उछालकर पर्दे की ओर फेंकते थे। कई बार एक साथ कई सिक्के पर्दे पर जाने से सिनेमाघर के पर्दे फट जाते थे। बाद में दक्षिण भारत के सिनेमाघरों में सिक्के ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई। रजनीकांत जैकी चैन के बाद एशिया के सबसे महंगे सितारे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। फिल्म रोबोट और उसके वर्जन 2.0 फिल्म के बाद रजनीकांत जैकी चैन के बाद एशिया के सबसे महंगे सितारे बन गए हैं। बड़े लोग बड़ी बातें में आज के लिए इतना ही। आगे की कड़ी में और नए किस्से और कहानी के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष।